नमस्कार प्रिय बच्चों, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। टुडे इज योर फिफ्थ वीडियो लेक्चर अंडर द टॉपिक पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बीयर। इन फोर वीडियोस यू हैव टू स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन टू वैराइटल डिस्क्रिप्शन। Now in the fifth video, you will study about edaphological factors of beer. अभी तक के जो चार वीडियोस आपने देखे हैं, उन चार वीडियोस में आपने इंट्रोडक्शन से लेके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से लेके न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस से लेके यूटिलिटी से लेके एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन से लेके स्पीसीज से लेके जहाँ तक कि इंडियन एंड चाइनीज़ बीयर में डिफरेंस से लेके वैराइटीज़ के डिस्क्रिप्शन तक, वो वैराइटीज़ में वो चाहे स्ट्रीट से लेवल में हो चाहे वो डिप्लॉयड लेवल तक हो, ये एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जिससे आपको ये लगे कि अगर आप इस वीडियो को भी खोल के देखें तो आपको लगे कि ये चार वीडियोज़ आपको पढ़ने हैं। बिना चार वीडियोज़ के आपका पूरा लिटरेचर कम्प्लीट नहीं होने वाला इस वीडियो का। तो जैसे अभी तक हमने चार वीडियोस में आपको इसी रिसर्च पेपर के माध्यम से पढ़ाया है, तो ये हमारा एक रेप्यूटेड आइडियल रिसर्च एक जर्नल है, रेप्यूटेड जर्नल है 1.785 इम्पैक्ट फैक्टर का, उसमें पब्लिश हुआ है। तो हम इसी के माध्यम से पूरी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडाफोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ बीयर। सबसे पहले एडाफोलॉजिकल फैक्टर्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहते हैं कि एडाफोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। एडाफोलॉजिकल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो एडाफोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है आपका सॉइल। किस तरीके की सॉइल होनी चाहिए, सॉइल का पीएच क्या होना चाहिए, सॉइल का नेचर ऑफ क्या होना चाहिए, सॉइल का टाइप कैसा होना चाहिए। नेचर में मतलब वो एल्कलाइन है कि एसिडिक है ना, तो इस तरीके के सॉइल का पीएच कितना है, एसिडिक है ठीक है कि वो न्यूट्रल है, इन सब चीज़ों को हम जान लेते हैं क्योंकि जब हम सॉइल का चुनाव करते हैं ना, सिलेक्शन सॉइल का करते हैं, तो इन सब चीज़ों को जानना बड़ा मुश्किल भी होता है और सॉइल टेस्टिंग के द्वारा आइडेंटिफिकेशन करना भी सहज होता है। एडाफोलॉजिकल फैक्टर में यदि कोई चीज़ आती है तो वो आती है आपकी सॉइल, मृदा। फिर आता है टेम्परेचर, तापक्रम। बीयर मोस्टली अगर बात की जाए तो यदि हम इंडियन बीयर की बात करें तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव रखने की क्षमता रखता है। सर्वाइव के साथ साथ ये अपने आप को 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव कर लेता है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने की ताकत रखता है। तो इसका हम टेम्परेचर रेंज ही कह सकते हैं, इसका तापक्रम हम कह सकते हैं कि 24 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे और किताबों में आपको जो लिखा मिलेगा वो मिलेगा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, लेकिन जब मैं चीज़ों को पूरी तरीके से आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ, ये सॉइल एंड क्लाइमेट मैं आपको खोल के रख रहा हूँ, ये है सॉइल एंड क्लाइमेट। अब अगर हम इसकी बात करें टेम्परेचर की, तो मैंने एक एक चीज़ आपको समझाई है कि जो इंडियन बीयर है जिचपस मॉरिशियाना, ये प्रायः अंडुलेटेड टॉफोग्राफी, वाटर स्टैग्नेशन। अंडुलेटेड टॉफोग्राफी का मतलब समझते हो, उथली पुथली स्थलाकृति, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है कहीं उबड़ खाबड़ है, ऐसे स्थानों पर भी अपने आप को सर्वाइव करने की क्षमता रखता है। चाहे सॉइल आपकी एसिडिक हो चाहे एल्कलाइन हो चाहे न्यूट्रल हो, उसको कोई मतलब नहीं है, अगर उसका पीएच 10 तक है तब भी ये अपने आप को सर्वाइव कर लेगा।
अगर सॉइल में वाटर स्टैग्नेशन है, वाटर स्टैग्नेशन का मतलब होता है प्रॉपर ड्रेनेज ना होने पर किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर पानी का रुक जाना। जब ड्रेनेज नहीं होगा, और ड्रेनेज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वाटर का स्टैग्नेशन होगा। ऐसी कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव करके बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। तो बात सॉइल की हुई, ठीक है, ग्रोथ को क्यों बढ़ाता है, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। बीयर हैज हार्डी नेचर एंड अ स्ट्रॉन्ग टैप रूट सिस्टम। हार्डी नेचर तो होता ही होता है उसका, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग टैप रूट सिस्टम, जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम होता है, स्ट्रॉन्ग टैप रूट सिस्टम, ठीक है। इट कैन बी ग्रोन सैटिस्फैक्ट्री इन एल्कलाइन सॉइल having high pH and sodicity when 5 kg gypsum is mixed per pit followed by flooding about 1 week before planting। अब इस चीज़ को देखना, इस चीज़ को तो हम बता चुके हैं कि beer has hardy nature and a strong tap root system। अब इसमें लिखा है कि it can be grown satisfactory, ये संतोषजनक अपने आप को ग्रोन करता है किसमें, alkaline soils में। जो alkaline soils होती हैं जिसका 7.5 से ऊपर टेम्परेचर होता है, और कहाँ तक जाता है, 10 तक। जो एसिडिक होती हैं वो ब्लू 7 होती हैं, है ना। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 7.5 से भी ऊपर जाता है। इट कैन बी ग्रोन सेटिस्फैक्ट्री इन एल्कलाइन सॉइल हैविंग पीएच एंड सोडिसिटी, हैविंग पीएच एंड सोडिसिटी, सोडियम का कंटेंट देंगे बेन 5 किलोग्राम जिप्सन, जबकि 5 किलोग्राम जिप्सन इज मिक्स्ड, मिलाया जाता है पर पिट, जो गड्ढा इसके लिए किया जाता है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, उसमें 5 किलोमीटर जिप्सम को मिलाया जाता है पर पिट, पर गड्ढे, फॉलोड बाई फ्लडिंग, ठीक है। फ्लडिंग का मतलब समझते हो, बाढ़ आने के लिए, अबाउट 1 वीक बिफोर प्लांटिंग, 1 वीक प्लांटिंग से पहले जिन गड्ढों में हमको बीयर का प्लांटेशन करना है उसकी सोडिसिटी को मेंटेन करने के लिए 5 किलोग्राम जिप्सन को पर पिट के हिसाब से मिलाया जाता है। हाउएवर, जबकि सोडियम लोम सॉइल्स, जो सोडियम लोम सॉइल्स होती हैं विद न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन रिएक्शन, जो कि न्यूट्रल होती हैं और जिनका रिएक्शन स्लाइटली एल्कलाइन होता है, मेक गुड ग्रोथ ऑफ बीयर। जो सैंडी लोम्स होती हैं और जो न्यूट्रल होती हैं, स्लाइटली एल्कलाइन नेचर वाली, वो बीयर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छी मानी जाती है, मेक गुड ग्रोथ ऑफ बीयर। अब हम बात करेंगे जिजिफस जुजुवा, जो चाइनीज बीयर है, जिजिफस जुजुवा, जिजिफस जुजुवा इज़ फाउंड मोस्ट टॉलरेंट अगेंस्ट सेलिनिटी। जो जिजिफस जुजुवा है वो सेलिनिटी के प्रति बहुत टॉलरेंट पाया गया है एंड कैन बी यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन। जिजिफस जुजुवा जो है वो सेलिनिटी के प्रति बहुत टॉलरेंट पाया गया है, साथ ही साथ उसको बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन, मतलब जो भूमि सुधार की बात होती है ना, जैसे हम लैंड रिक्लेमेशन करते हैं चूना मिला के, है ना, और ऑर्गेनिक मैटर्स को मिला के, FBM मिला के जब हम भूमि सुधार करते हैं, बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जो सॉइल साइंस में आपको बताए गए होंगे, लेकिन ये स्पेशली जो जिजिफस जुजुवा है, चाइनीज बीयर है, ये सेलिनिटी को ज़्यादा प्रेफर करता है, टॉलरेंट है सेलिनिटी के लिए। तो इसको बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन, जैविक सुधार के लिए, भूमि के जैविक सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये पूरे सॉइल की हिस्ट्री हो गई कि सॉइल कैसी चाहिए होती है बीयर को। अब हम थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहेंगे, जब हमने कहा था एडेफोलॉजिकल फैक्टर्स, तो एडेफोलॉजिकल फैक्टर्स में केवल सॉइल नहीं आती, उसमें टेम्परेचर भी आता है, लाइट इंटेंसिटी भी आती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आती है, एल्टीट्यूड एट सी लेवल भी आता है, विंड वेलोसिटी भी आती है, और सनशाइन भी आती है। इन सब पॉइंट्स को मिलाकर एक आइडियल बनता है जिसको हम बोलते हैं एडेफोलॉजिकल फैक्टर्स। अब हम टेम्परेचर की बात कर लें, तो टेम्परेचर में आपको बता है कि जो इंडियन बीयर है,
इंडियन बियर का जो टेम्परेचर टॉलरेंसी है वो आपकी है 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो हम कह सकते हैं ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर है वो 24 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने आप को सहन करने की क्षमता रखता है इंडियन बियर, जिसको हम जिज्वस मॉरिशियाना बोलते हैं। अब यदि हम जिज्वस जुजुबा की बात करें तो उसमें, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर मुझको खोलना पड़ेगा, हम नॉर्मल किसी का नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हमको चीज़ों को पता है तो हम उसको एलेबोरेट करके लिखें ना, तो हम इंडियन बियर का लिखेंगे 24 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड। पर जब हम चाइनीज़ बियर की बात करेंगे जिसको हम जिज्वस जुजुबी बोलते हैं, वहाँ हम लिखेंगे कि इट सर्वाइव ऑन टेम्परेट कंडीशन, इट सर्वाइव ऑन टेम्परेट कंडीशन, देन द आइडियल टेम्परेचर इज -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अपने आप को सर्वाइव करने की क्षमता रखता है, इस टेम्परेचर पर भी इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से होता रहता है, क्योंकि ये टेम्परेट का है ना। तो ये हो गया इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर की हमने दोनों रूपों में बात कर ली। टेम्परेचर के बाद यदि हम बात करेंगे तो रेनफॉल की बात करेंगे। रेनफॉल आपको पता है ये रेनफेड ही क्रॉप है, वर्षा आधारित है, तो ऐसे समझ लो कि 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा यदि प्रतिवर्ष हो जाती है, वार्षिक वर्षा यदि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल पर ईयर हो जाता है 60 से 100 डिग्री 100 सेंटीमीटर, तो ये समझ लो कि ये प्लांट अपने आप को ग्रो करने की क्षमता रखता है। तो रेनफॉल की भी बात हो गई। लाइट इंटेंसिटी की बात करें, मोर देन 12 आवर्स, डे न्यूट्रल प्लांट है इसलिए 10 घंटे से ज़्यादा इसको लाइट की आवश्यकता है। और मैं आपको बात बताऊं, मोर देन 12 आवर्स भी कहीं कहीं इसमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये एरिड वाला प्लांट है ना, तो एरिड कंडीशंस में आपको पता होगा राजस्थान कंडीशन की आप बात करें, झारखंड कंडीशन की बात करें, महाराष्ट्र कंडीशन की बात करें, जो एरिड एरियाज हैं वहाँ पर क्या है, सेड तो नहीं है, उस तरीके की मॉइस्चर भी नहीं है, वहाँ पर क्या है, सनशाइन ही रहता है, लाइट की इंटेंसिटी ही रहती है, तो वो 10 to 12 आवर्स तक होती है लाइट की इंटेंसिटी पर डे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 से 75% होती है, बार आपेक्षिक आर्द्रता 70 से 75%। इसके बाद में एल्टीट्यूड एट सी लेवल, 1000 से 1200 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई के जो क्षेत्र होते हैं, 1000 से 1200 मीटर ऊंचाई के जो समुद्र तल के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर इसकी खेती को आराम से किया जा सकता है। विंड वेलोसिटी 10 से 40 किलोमीटर पर आवर, जो विंड होती है 10 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की वायु की गति को ये सहन करने की क्षमता रखता है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट इंटेंसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एल्टीट्यूड एट सी लेवल, विंड वेलोसिटी, ये इसकी एडाफोलॉजिकल फैक्टर्स को हमने करैक्टराइज्ड कर दिया। अब हम बात करेंगे नीचे के पैराग्राफ की। तो यहाँ लिखा है कि जिज्वस मॉरिशियाना इज़ एन आइडियल फ्रूट ट्री फॉर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जिज्वस मॉरिशियाना एरिड और सेमी एरिड कंडीशन, मतलब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशंस के लिए ही है, जो 24 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में भी अपने आप को सर्वाइव करने की क्षमता रखता है। द ट्री कम इन टू डॉर्मेंसी, ये पौधा डोरमेंसी में आता है मई जून में, व्हेन इट इज़ वेरी हॉट इन द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये मई जून में डोरमेंट हो जाता है जबकि बहुत तेज टेम्परेचर हो जाता है नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में। द फ्रूट स्टार्ट्स राइपनिंग, फ्रूट की जो राइपनिंग होती है एज अर्ली एज मिडिल ऑफ दिसंबर में राइपनिंग शुरू हो जाती है इन वेस्टर्न इंडिया, वेयर एज इन नॉर्थर्न प्लान भाई मिड फरवरी। तो इसमें ये कह रहा है कि द फ्रूट स्टार्ट राइपनिंग, जो पकना शुरू होता है ना फ्रूट का, वो अर्ली दिसंबर में शुरू हो जाता है, कहाँ पर, वेस्टर्न इंडिया में, जबकि जो नॉर्थर्न प्लेस में होता है वो मिड फरवरी में राइपनिंग शुरू होती है, मिड फरवरी। जिज्वस जुजुबी मींस चाइनीज वेयर बीइंग डेसीडुअस एंड टेम्परेट थ्रिप्स वेल अंडर सीवियर कोल्ड, जब सीवियर कोल्ड होता है तब वहाँ पर उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो होता है।
और ये बिल्कुल उल्टे होते हैं। यहाँ पर राइपनिंग लिखा है ना दिसंबर में, तो वहाँ पर जनवरी फरवरी में राइपनिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और इनके जो करेक्टरिस्टिक्स, फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं थ्रू राइपनिंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मैच्योरिटी इंडेसिस, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक कैसे? अगर ये राइप कर रहा होगा जनवरी फरवरी में, तो वो करेगा दिसंबर में। अपोजिट इनकी साइकिल चलती है पूरी। तो ये एक ओवरव्यू हो गया एडेफोलॉजिकल फैक्टर्स का। तो आपने क्या क्या जाना एडेफोलॉजिकल फैक्टर्स में, इसका ओवरव्यू कर देता हूँ, फिर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपने सॉइल को जाना, कैसी सॉइल इसमें ज़रूरत पड़ती है, सॉइल के नेचर को जाना, सॉइल के टाइप को जाना, सॉइल के पीएच को जाना, और उस सॉइल के नाम को जाना जो पर्टिकुलरली इसके लिए यूजफुल होती है ना। इसके साथ साथ टेम्परेचर को जाना, टेम्परेचर में दोनों को जाना, आपने इंडियन बियर और चाइनीज़ बियर को। टेम्परेचर के बाद लाइट इंटेंसिटी जानी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जानी, एल्टीट्यूड एट सी लेवल जाना, विंड वेलोसिटी जाना, सनशाइन जाना। इन सब पॉइंट्स को जानने के बाद मैं समझता हूँ कि एडाफोलॉजिकल फैक्टर ऑफ बियर में अब कोई फैक्टर नहीं बचता। एडाफोलॉजिकल फैक्टर ऑफ बियर में आप सब कुछ समझ चुके हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये आपका 5वां वीडियो था बियर के कल्टीवेशन में। 6वां वीडियो आपका होगा प्रोपोगेशन ऑफ बियर पर। बहुत जल्द 6वां वीडियो आपको मिलेगा प्रोपोगेशन ऑफ बियर के ऊपर। और इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करके नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको अलर्ट करता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रोपोगेशन ऑफ बियर पर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।